हेलो 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 एंड वेलकम टू दी चैनल। मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका मेरे चैनल वीजी ऑन द रॉक्स में। और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं VAT69 का, जो कि आती है वर्ल्ड के फेमस ब्रांड की तरफ से, जिसका नाम है डियाजियो। इनकी तरफ से आपको वर्ल्ड के बेस्ट लिकर्स मिल जाते हैं, जिनमें शामिल हैं आपका ब्लैक एंड वाइट, J&B, टेलिस्कर, सिंगलटन, टैंकुरे वोडका, स्मिरनॉफ वोडका, और आपका ब्लैक लेबल, रेड लेबल, ब्लू लेबल, ये सारे के सारे लिकर्स जो हैं ये डियाजियो की तरफ से आपको मिलते हैं। और अगर आप लो बजट में आएंगे तो मैकडोवल नंबर 1 भी आपको डियाजियो की तरफ से ही मिलती है। तो आज हम इसका रिव्यू करने से पहले आज इसकी हिस्ट्री आपको बताएंगे। तो VAT69 लॉन्च हुई थी 1882 में, और इसके फाउंडर थे विलियम सैंडरसन। तो जब 1882 में विलियम सैंडरसन अपनी कंपनी के लिए बेस्ट मॉल ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी, जिसमें उन्होंने हंड्रेड डिफरेंट बैरल्स में 100 डिफरेंट मॉल्ट्स भर के रखे, और डिफरेंट लोगों को बुलाया और उनसे बोला कि आप टेस्ट करके बताइए कि कौन से बैरल में सबसे बेस्ट विस्की आपको मिल रही है। तो जिसे हम आज बैरल कहते हैं, उन्हें उस समय वैट कहा जाता था। तो जो बैरल नंबर 69 था, वो वन ऑफ द उन 100 में से बेस्ट चुना गया उन लोगों के द्वारा। तो उसी के बैरल के ऊपर इसका नाम रखा गया VAT69। तो जैसा कि उस बैरल में, अगर आप ये VAT69 देख रहे हैं यहाँ पे, ये जैसा VAT69 लिखा हुआ है, और ये 69 जो लिखा हुआ है, जैसा कि उस बैरल में 69 का फॉन्ट था, सेम वैसा ही का वैसा फॉन्ट यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए अब चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। अनबॉक्सिंग से पहले मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसा आप लोग जानते हैं कि आजकल माहौल बहुत ही ख़राब है बाहर, तो बिल्कुल भी बाहर ना जाएं। बहुत ही इमरजेंसी हो तो ही बाहर जाएं, और मास्क ज़रूर लगाएं, एक नहीं दो मास्क लगाएं, और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए अब चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो जैसा कि इसका बॉक्स है, बहुत ही सॉलिड बॉक्स है इसका, तो बॉक्स के गिर जाने की वजह से बॉटल को कोई हार्म नहीं होगा, और ये सपोर्ट भी दिया हुआ है बॉटल को रोकने के लिए, क्योंकि बॉटल जो है इसकी वो एक इस शेप में है। और इसका प्राइस जो है वो दिल्ली में अराउंड 1400 रुपीज़ है, जो कि एक एवरेज एंट्री लेवल स्कॉच के हिसाब से बहुत बढ़िया है। और भी बहुत सारे स्कॉच हैं जो इस रेट पे आते हैं, और इसको ऑलरेडी मैं हाफ से ज़्यादा फिनिश कर चुका हूँ। तो लेकिन इस बॉटल में मुझे एक इशू लगा कि ये बॉटल की जो सील है, ये एक बार जैसे सील खुल गई तो उसके बाद फिर ये बस ये राउंड राउंड घूमता रहता है, ये बंद नहीं होता। तो इससे अगर कभी ये बंद नहीं है, आपने टाइट किया और ये टाइट नहीं हुआ, और बॉटल अगर आपने ऐसे रख दी, तो ये बॉटल में से लीक भी हो सकती है। तो ये चीज़ VAT69 वालों को सही करनी चाहिए। और बात करें ABV की, तो इसमें ABV है 42.8%। और चलिए अब इसकी नोजिंग करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, और फिर करेंगे अपना फाइनल ऑन द रॉक्स टेस्ट। तो चलिए चलते हैं नोजिंग की तरफ। तो चलिए चलते हैं इसकी नोजिंग पे। ड्राई फ्रूट्स की बहुत अच्छी महक आ रही है इसमें से। वेनिला की बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसमें। स्मोकीनेस बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है मुझे इसमें। और इसमें आपको अल्कोहल का बहुत ज़्यादा महक आ रहा है, अल्कोहल इसमें से ऐसा लग रहा है कि इसमें अल्कोहल बहुत ज़्यादा है, ऐसे वो सर पे चढ़ रहा है। तो चलिए अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। स्मूथ, बहुत ही स्मूथ है, वनीला का बहुत अच्छा फ्लेवर है। ड्राई फ्रूट्स का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें, खासकर एलिमेंट्स एंड राइसिन्स,
किशमिश और बादाम दोनों का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें, बहुत बढ़िया है। गुड, चलिए अब कर लेते हैं इसकी पानी के साथ टेस्टिंग कि पानी के साथ ही कैसी लगती है। वेरी स्मूथ, वेरी स्मूथ, बिल्कुल भी बर्न नहीं है। नीट लेने में इसमें गले में थोड़ी सी हार्शनेस और अल्कोहल का बर्न जो है वो आपको अंदर जाने में वार्म फील हो रहा है, बट विद वाटर बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। नथिंग, आपको पता ही नहीं चलेगा, बहुत ही माइनर सी इसमें आपको पता चलेगा कि आप विस्की ले रहे हैं, वरना तो बहुत ही अच्छी है। चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट टेस्ट ऑन द रॉक्स टेस्ट की तरफ। तो चलिए कर लेते हैं अब इसका ऑन द रॉक्स टेस्ट। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं 60 ml ऑफ विस्की। With 3 cubes of ice, small size. कर लेते हैं इसको थोड़ा शेक, जब तक ये आइस थोड़ा मेल्ट हो रही है। आप ये बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो कौन सी ब्रांड पे चाहते हैं आप। और एक नेक्स्ट वीडियो में और भी लाने वाला हूँ इसी की कॉम्पिटिटर विलियम लॉसन का, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए विलियम लॉसन का भी बहुत ही जल्द। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग। पानी में और ऑन द रॉक्स में डिफरेंस बस इतना है कि इसमें आपको विस्की बहुत ही स्मूथ लग रही थी, बट इसमें थोड़ी सी हार्शनेस है, ऑन द रॉक्स में थोड़ी सी हार्शनेस है। और इसमें आपको आलमंड्स का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, इसमें आपको राइसिन्स का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। इसमें स्मोकीनेस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही माइल्ड है। जैसा कि ये 50s, 60s और 70s की अगर आप मूवीज़ देखेंगे तो आपको सिर्फ वहाँ पे VAT69 ही दिखेगी, बहुत ही फेमस थी ये। तो ये अगर आप एक स्कॉच विस्की स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, आप बिल्कुल जा सकते हैं इसके साथ। और आफ्टर टेस्टिंग एंड चेकिंग ऑल, मैं VAT69 को आउट ऑफ 100 पॉइंट देना चाहूँगा 89.5, बिकॉज ऑफ जो इसमें आलमंड्स का फ्लेवर आ रहा है और ये बहुत ही स्मूथ है, तो 89.5 पॉइंट्स देना चाहूँगा आउट ऑफ 100। बहुत ही अच्छी विस्की है और इसको बिल्कुल ट्राई कीजिए आप। अगर आप स्कॉच पे ट्रांसफ़र नहीं, शिफ्ट नहीं भी हो रहे हैं, फिर भी ट्राई कीजिए इसको, ये बहुत ही अच्छी विस्की है और ये आज भी 60s 70s की तरह किंग है, अपने बजट में ये किंग है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू और चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।